छोड़ूंगा नहीं वानर। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। अगर हनुमान नहीं आया तो मित्रों बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु मेरा मन तो कहता है कि हनुमान लौटकर आ ही जाएगा। केसरी के लोकांतरण का अर्थ है हनुमान की पराजय। पिता के बिना निर्बल हो जाएगा हनुमान, और दूसरी ही ओर उस नारायण के नर अवतार का वध तो मैं स्वयं अपने ही हाथों से करूंगा। गति और बढ़ा लो पुष्पक। दिशा परिवर्तित करते हुए सीधे तुंग राज्य की ओर ले लो पुष्पक। देवराज जी ये लीजिए आपका वज्र। अद्भुत पराक्रम है हनुमान का। धन्यवाद पुत्र। हे इंद्रदेव, आपके हाथ से छूटे हुए वज्र से हनुमान ने इंद्रलोक की रक्षा की है, इसलिए इस वज्र के अधिकारी अब हनुमान भी हैं, और इस विजय ध्वजा के भी जो इनकी वीरता के सम्मान में लहरा रही है। हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। ये लो पुत्र। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत ने पाया रूप अनूप, बने हैं परम शक्ति स्वरूप। विद्युतासुर का किया संहार, मिला उन्हें नव शक्ति उपहार। हनुमान के हस्त है साजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। प्रस्तुत हैं बन पाप के काल, धारण किया यह रूप विशाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जाने ईश्वर की क्या इच्छा है। हनुमान शीघ्र आ जाओ पुत्र। महाराज केसरी, अब आप अपना अगला पग बढ़ा सकते हैं। नहीं पुत्र केसरी, लौट आइए, मत कीजिए ऐसा, लौट आइए। हे प्रभु, अरे बड़ी महारानी माँ कहाँ जा रही है? बड़ी महारानी माँ को क्या हुआ? बड़ी महारानी को क्या हुआ? महारानी माँ बस महारानी उठिए, महारानी माँ आगे देखो, कौन चल रहा हूँ? महारानी माँ उठिए, महारानी जी नीचे घूम रही हैं। उठिए
भी सूचना मिली है। जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया। ये सब क्या है? या तो मात्र शवादी है, परंतु काल ने हमें वो रक्ष योद्धा कहाँ है? मुझे उस रक्ष योद्धा की मृत्यु दे चाहिए, वो ला कर दो मुझे काल ने में। जब तक मैं उस रक्ष योद्धा को मृत अवस्था में नहीं देखूंगा, मुझे विश्वास कैसे होगा कि नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात हो गया है? मेरे लाल, आयुष्मान भव, अब तुम्हें अविलंब सुमेरु के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। जो आज्ञा दे गुरु। आओ हनुमान, प्रस्थान करते हैं। जी देवराज जी, चलिए। लंकेश, वो देखिए, रक्ष योद्धा, विघंत का कटा हुआ शीश। लंकेश, ये विघंत का शीश है। जिसने अपने प्राणों का त्याग किया है ताकि हमें यह ज्ञात हो जाए कि वो नर रूपी नारायण कहां है। योद्धा विघन, तुम्हारा ये कटा हुआ शीश इस बात का संकेत है कि नर रूपी नारायण उपस्थित है। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। यदि तुम जीवित होते विघन, तो रावण स्वयं तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ण से तोल देता। परंतु यदि तुम जीवित होते विघन, तो नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात कैसे हो पाता? लंकेश, इसने अपना लंकेश, ये क्या? लंकेश, शीश धड़ से जुड़ गया। प्रणाम लंकेश, प्रणाम कालनेमी। तुम जीवित कैसे हो गए दिगंत? मेरी मृत्यु मात्र नारायण के नर अवतार के हाथों ही हो सकती है, और जिससे मेरा युद्ध हुआ था वो कोई अन्य योद्धा था, नारायण का नर अवतार नहीं।
जिसने मेरा शीश काटकर दूर गिरा दिया था, जो किसी अन्य मृत देह में फंस गया था, इसीलिए ये धड़ से नहीं जुड़ पाया था। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवित होना इस बात का संकेत है कि जिससे तुम्हारा युद्ध हुआ वो नर रूपी नारायण नहीं था। चले स्वर्ग से संकट मोचन, भावुक सब भर आए लोचन, बीते समय का करेंगे ध्यान, स्मृति में सदा रहेंगे हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माया हनुमान, अब तुम शीघ्र ही अपने पिताजी से मिलोगे। हाँ पिताश्री, नानी, मेरे सारे मित्र और सारी प्रजा सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज मैं सबसे जाके मिलूंगा, है ना माँ? माँ, आपके मां के सिंदूर की लाली माँ तो बहुत कम हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरी मां का सिंदूर? सिंदूर की लाली माँ धूमिल हो रही है, ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? क्या हुआ, आप एकाएक चिंतित क्यों हो उठी? मुझे तुम्हारे पिताश्री की चिंता हो रही है, वो सकुशल तो होंगे ना? माँ आप चिंता मत करिए, पिताश्री सकुशल ही होंगे। आप वहाँ इतने दिनों बाद जा रही हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, और हम कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाएंगे। मातली जी, क्या आपके इस विमान की गति और नहीं बढ़ सकती? हनुमान, आपके जैसा वेग नहीं है इस विमान में। धीरज रखो हनुमान, हम शीघ्र ही पहुँच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए देवी अंजना, सुमेरु में सब सकुशल ही होंगे। जय लंकेश। क्या है दूत, मुझे संदेह हो रहा है कि तुम भी अशुभ समाचार लेकर आए हो। लंकेश, विद्युतासुर का वध कर दिया है हनुमान ने, और अब वो सुमेरु की ओर लौट रहा है। क्या, विद्युतासुर को तो भेजा गया था कि वो हनुमान को सुमेरु लौटने से रोके, युद्ध में उलझाए रखे। किंतु लंकेश, कदाचित केसरी को यह ज्ञात नहीं है कि हनुमान सुमेरु लौट रहा है। केसरी ने यह प्रण लिया है कि यदि सूर्यास्त के पूर्व हनुमान सुमेरु नहीं लौटा तो वो लोकांतरण कर ले। सूर्य तो अभी आधा ही अस्त हुआ है, यदि हनुमान तीव्र गति से सुमेरु पहुंच गया तो बचा लेगा केसरी को। काल ने में जी लंकेश, तुम अभी के अभी अपने मायावी बादलों से सूर्य को ढक करके सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करो, जिससे केसरी शीघ्र ही लोकांतरण कर ले। जी लंकेश। उस वानर को मां तो मिल गई, परंतु पिता, पिता नहीं मिलने देगा रावण। अवश्य लंकेश, ऐसा ही होगा। विघंत, जब तक वो नरूपी नारायण नहीं मिल जाता, तुम अपना आतंक और बढ़ा दो, मार काट और बढ़ा दो। जो आज्ञा लंकेश।
हुई बादलों प्रकट हो, प्रकट हो। ये क्या हो रहा है? इतने सारे काले बादल, इतने काले बादल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ये बादल? सावधान हनुमान, ये मात्र काले बादल नहीं है, ये किसी काले मन वाले के रचाए गए काले मायावी बादल। मायावी बादल?